नमस्कार मित्रों, सब्सक्राइब कीजिए आपकी दैनिक राशिफल चैनल को। जय शनिदेव दोस्तों, स्वागत है आपकी दैनिक राशिफल में। आज का दैनिक राशिफल राशिफल 10 सितंबर 2024 दिवस मंगलवार का राशिफल सन 2024। आज का सुविचार, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। ना थके हैं पैर अभी, ना हारी है हिम्मत, हौसला है कुछ बड़ा करने का, इसे अभी भी सफर जारी है। दोस्तों कैसे हैं आप सब, आशा करते हैं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आज का दैनिक राशिफल 10 सितंबर 2024 12 राशियों के लिए। मिथुन समेत 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, ये 2 राशि वाले जरूर रखें सेहत का ध्यान। राशिफल से पहले आज का पंचांग इस प्रकार है, तो चलिए अब बात करते हैं आज की पंचांग के बारे में। आज 10 सितंबर 2024 का पंचांग, संतान सप्तमी के दिन क्या होगा पूजा का शुभ मुहूर्त, जानिए आज का पूरा पंचांग। 10 सितंबर 2024 का पंचांग, आज के दिन संतान सप्तमी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:46 पर होगा। इस दिन रात के 8:05 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा। आइए जाने आज का पूरा पंचांग। 10 सितंबर 2024 का पंचांग, भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन सूर्योदय सुबह 5:46 पर होगा। आज के दिन सूर्यास्त शाम 6:22 पर होगा। इस दिन पूजा का अभिजीत मुहूर्त 11:52 से 12:25 तक रहेगा। इस मुहूर्त संतान सप्तमी की पूजा कर सकते हैं। आज के दिन राहुकाल का समय 2:03 से 4:30 तक रहेगा। इस समय में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। अब आइए जाने आज का पूरा पंचांग। 10 सितंबर 2024 का पंचांग, संवत पिंगला विक्रम संवत 2081, माह भाद्रपद शुक्ल पक्ष, तिथि सप्तमी, व्रत मंगलवार, व्रत दिवस मंगलवार, सूर्योदय सुबह के 5:46, सूर्यास्त शाम के 6:22, नक्षत्र अनुराधा रात के 8:05 तक, तत्पश्चात ज्येष्ठा, चंद्र राशि वृश्चिक राशि, स्वामी ग्रह मंगल, सूर्य राशि सिंह, स्वामी सूर्य, करण गर रात के 10:37 तक, फिर वनेज योग विश्वकुंभ। शुभ मुहूर्त एक अभिजीत सुबह के 11:52 से 12:25, दो विजय मुहूर्त 2:24 से 3:21 तक, 3 गोधुली मुहूर्त शाम के 6:21 से शाम के 7:22 तक, 4 ब्रह्म मुहूर्त 4:09 एम से सुबह के 5:01 तक, 5 अमृत काल सुबह के 6:03 से 07:53 तक, 6 निशीत काल मुहूर्त रात्रि 11:51 से 12:29 तक रात, संध्या पूजन शाम के 6:21 से शाम के 7:07 तक, दिशाशूल पूर्व दिशा, इस दिशा में यात्रा से बचें। दिशाशूल के दिन उस दिशा की यात्रा करने से बचते हैं, यदि आवश्यक है तो एक दिन पहले प्रस्थान निकालकर फिर उसको लेकर यात्रा करें। अशुभ मुहूर्त राहुकाल 2:03 से 4:30 तक, क्या करें आज गणेश उत्सव का चतुर्थ दिवस व्रत है, गणपति विघ्न का नाश करते हैं। किसी भी कार्य के निर्विघ्न रूप से पूर्ण करने वाले देवता गणेश जी हैं। यह व्रत सभी लोग रख सकते हैं। मोदक मीठा जल अन्न व वस्त्र का दान करें। कुछ संत निराजल व्रत रखते हैं। नियमित साप्ताहिक मंगलवार व्रत रख सकते हैं। सुंदर कांड का पाठ करें। आज आपका भोजन फलाहारी हो, कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान कराएं। आज श्री हनुमान चालीसा के 07 पाठ का भी बहुत महत्व है। गणेश प्रतिमा जो घरों में स्थापित हो चुकी है उनकी विधिवत पूजा होती है। गणेश जी समस्त कष्टों का नाश करते हैं। गणपति उत्सव धूमधाम से मनाएं। गणेश जी की उपासना कई तांत्रिक सिद्धियां भी देती हैं। क्या ना करें, बड़े भाई का अनादर करने से मंगल खराब फल देते हैं। बड़े भाई की किसी बात की अवज्ञा मत करें। 10 सितंबर 2024 12 राशियों के लिए आर्थिक भावनात्मक और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहेगा दिन,
किन राशि वालों के प्रेम संबंध में आएगी मधुरता और किन राशि वालों को आर्थिक मामलों में करना पड़ सकता है दिक्कतों का सामना। किन राशि वालों को शिक्षा के क्षेत्र में मिलेगा लाभ और किन राशि के लोगों को लेनी पड़ सकती है दूसरों की मदद। मीन राशि वालों को समझना होगा कि कार्य क्षेत्र में आपका कर्म ही पूजा है। इस सिद्धांत पर काम करने वाले फायदे में रहेंगे। कार्य के समय अत्यधिक चर्चा करने से बचें। बता रहे हैं 12 राशियों का कैसा रहेगा हाल। मेष एरीज। मेष राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत व्यर्थ भागदौड़ के साथ होगी। महत्वपूर्ण कार्य में संघर्ष हो सकता है। सामाजिक कार्य व्यवहार में संयम पूर्वक आचरण करें। विरोधी पक्ष आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। इस संबंध में विशेष सावधानी बरतें। कुछ कार्य पूरे होने के योग बनेंगे। सामाजिक कार्यों के प्रति रुझान कम होगा। कार्य क्षेत्र में अतिरिक्त परिश्रम करने से परिस्थिति अनुकूल होगी। शेयर, लॉटरी, आयात निर्यात के कार्य में लगे लोगों को सफलता मिलेगी। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति? अपनी आर्थिक स्थिति चिंताजनक रहेगी। व्यापार में समयबद्ध तरीके से कार्य करते रहें। आर्थिक मामलों में सामान्य सुधार होने के योग बनेंगे। इष्ट मित्रों की ओर से संपत्ति के क्रय संबंधी कार्य में सहयोग प्राप्त होगा। कैसा रहेगा निजी जीवन? प्रेम संबंधों में अपनी भावनाओं को सकारात्मक दिशा प्रदान करें। तालमेल बनाने की आवश्यकता रहेगी। प्रेमी जन को समझने का प्रयास करें। अपने विचारों को थोपने का प्रयास न करें। माता पिता का व्यवहार सहयोगात्मक बना रहेगा। कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य? स्वास्थ्य संबंधी विशेष परेशानी आदि होने की संभावना कम है। स्वास्थ्य संबंधी सावधानी अवश्य बरतें। शरीर में दर्द, गला, कैंसर संबंधित बीमारियों के प्रति जागरूक रहें। किसी रोग के इलाज हेतु घर से दूर जाना पड़ सकता है। अपनाएं ये उपाय। माता लक्ष्मी को गुलाब के 2 ताजे फूल अर्पित करें। वृषभ टॉरस। वृषभ राशि वालों को आध्यात्मिक कार्यों में अभिरुचि रहेगी। व्यापार में सहयोगात्मक व्यवहार करें। विरोधी पक्ष आपकी गतिविधियों पर नजर रखेंगे। बनते बनते कार्यों में विघ्न बाधाएं आएंगी। सामाजिक मान प्रतिष्ठा का विशेष ध्यान रखें। लोभ लालच से बचें। नौकरी में अधीनस्थ से निकटता बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में संघर्ष बढ़ सकता है। वरिष्ठ पदाधिकारी के साथ तालमेल बनाकर रखें। व्यवसाय से जुड़े लोगों को धीमी गति से लाभ होगा। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति? विवादास्पद स्थिति से बचें, अन्यथा परेशानियां बढ़ सकती हैं। आर्थिक मामलों में आ रही बाधाएं कुछ कम होगी। धन की आमदनी के साथ खर्च भी अधिक होगा। संपत्ति संबंधी विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। धन के लेन देन में सावधानी रखें। कैसा रहेगा निजी जीवन? पारिवारिक दायित्व का निर्वहन करें। पति पत्नी के मध्य सामान्य रूप से तालमेल बना रहेगा। प्रेम संबंध में दुविधा की स्थिति रहेगी। तनाव से बचने की कोशिश करें। प्रेम संबंध में दूसरे लोग सोच समझकर धैर्य पूर्वक कार्य करें। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम के संपन्न होने के योग हैं। कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य? स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका दिन अधिकांश शुभ रहेगा। पेट, हृदय रोग, जिगर संबंधी लोगों के प्रति सावधान रहें। किसी प्रकार के स्वास्थ्य रोग को लेकर आपको अत्यधिक तनाव लेने से बचना होगा। अपनाएं ये उपाय। छोटी इलायची पानी में डालकर स्नान करें। मिथुन जेमिनी। मिथुन राशि वाले शासन सत्ता से जुड़े लोगों को नवीन दायित्व मिल सकते हैं। नवनिर्माण की योजना कार्य रूप लेगी। विवाद को विकराल रूप लेने से पहले समाप्त करने का प्रयास करें। राजनीतिक क्षेत्र में कम संपर्क करना पड़ेगा। सम्मान में उपहार का लाभ मिलेगा। देश विदेश की यात्रा का सुयोग है। व्यापार में गुप्त शत्रुओं द्वारा हानि पहुंचाई जा सकती है। व्यर्थ झगड़ा झमेलों में भाग न लें। कोई शुभ संदेश मिलेगा। भाग्य का सितारा चमकेगा। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति? आर्थिक क्षेत्र में जमा पूंजी धन खर्च होने के योग हैं। आय एवं व्यय में संतुलन बना रहेगा। लाभ कम होगा। उत्तम द्रव्य व्यवस्था की प्राप्ति का योग है। अचानक द्रव्य लाभ होगा। किसी व्यापारिक योजना में श्रेष्ठ है। विवाद आदि मांगलिक कार्य पर खर्च होगा। कैसा रहेगा निजी जीवन? परिवार में मांगलिक कार्य आदि संपन्न होने के योग हैं। संतान पक्ष से सहयोग मिलेगा।
प्रेम प्रसंग आदि के मामले में भावुकता वश शीघ्र निर्णय न लें। अपने मधुर व्यवहार से आप दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। प्यार प्रीति का चक्कर चलेगा। किसी कीमती अनजान व्यक्ति से मित्रता न करें। कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य? आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। पूर्व से चले आ रहे किसी गंभीर रोग, रक्त विकार, पेट संबंधी रोग, हड्डी संबंधी रोग आदि से ग्रसित लोगों को इलाज करने पर तुरंत लाभ होगा। स्वास्थ्य के संबंध में कुछ परेशानी हो सकती है। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें, नींद पूरी लें। अपनाएं ये उपाय: छोटी इलायची पानी में डालकर स्नान करें। कर्क कैंसर। कर्क राशि वालों के लिए कार्यक्षेत्र में अपने अधीनस्थ एवं उच्च अधिकारियों से व्यर्थ वाद विवाद से बचें, अन्यथा आपके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। व्यापार में कोई ऐसी घटना अथवा अनुबंध हो सकते हैं जिससे आपको बड़ी धनराशि प्राप्त हो सकती है। कोर्ट कचहरी के मामले में सावधानी बरतें, अन्यथा आपके लिए संकट खड़ा हो सकता है। राजनीति में कोई विश्वास पात्र धोखा कर सकता है। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति? जमा पूंजी किसी मांगलिक कार्यक्रम पर अधिक धन खर्च हो सकती है। व्यापार में कड़ी परिश्रम और परेशानियों के बाद धन प्राप्त हो सकता है। भूमिगत द्रव्य से संबंधित कार्य में लगे लोगों को यकायक धन लाभ हो सकता है। धन के लेन देन में विशेष सावधानी बरतें। कैसा रहेगा निजी जीवन? प्रेम संबंध में धोखा मिल सकता है। अपने साथी की बातों पर आंख बंद कर विश्वास न करें। अपने बुद्धि विवेक से काम लें। प्रेम विवाह में कोई परिजन विलन बनकर सामने खड़ा हो सकता है। आप अपने प्रेम विवाह की योजना को सोच समझ कर ही आगे बढ़े। कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य? अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें। भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाने से बचे, अन्यथा गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। पूर्व से चला आ रहे गंभीर रोग, रक्त विकार, हृदय रोग से ग्रसित लोगों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। यात्रा में यकायक आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। अपनाएं ये उपाय: माँ दुर्गा की आराधना करें। सिंह लियो। सिंह राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत किसी शुभ समाचार से होगी। व्यापार में कोई ऐसी घटना घट सकती है जिससे आपको यकायक धन लाभ होगा। विद्यार्थी को अध्ययन से संबंधित कोई समाचार मिलेगा। किसी विशिष्ट व्यक्ति से मार्गदर्शन मिलेगा। नौकरी में पदोन्नति का शुभ समाचार मिलेगा। खेलकूद प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त होगा। भूमि, भवन, कृषि कार्य को सरकारी योजना का लाभ मिलेगा। कैसा होगा आर्थिक हाल? आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। भूमि के क्रय विक्रय से धन लाभ होगा। माता से आर्थिक मदद मिल सकती है। शेयर, लॉटरी, पशुओं के क्रय विक्रय से धन लाभ होने के योग हैं। परिवार में कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है। पुराना वाहन बेचकर आप नवीन भारत खरीद सकते हैं। कैसा होगा निजी जीवन? परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है। प्रेम प्रसंग में मधुरता आएगी। अविवाहित लोगों का विवाह से संबंधित शुभ समाचार मिलेगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा। माता पिता से सहयोग एवं सानिध्य मिलेगा। समाज में आपके द्वारा किए जा रहे शुभ कार्यों का अनुसरण करेंगे। कैसा होगा स्वास्थ्य? आपका स्वास्थ्य कुछ नरम रहेगा। रक्त विकार, पेट संबंधी रोग आदि के प्रति जागरूक रहें। घुटने संबंधी रोग कुछ कष्ट देगा। आप अपना इलाज कराने हेतु घर से दूर जा सकते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य की अपेक्षा मानसिक स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दें। अनावश्यक तनाव से बचें। अपनाएं ये उपाय: शाम को उड़द के साबुत दाने लेकर उन पर थोड़ा दही व सिंदूर चिरक कर पीपल के पत्ते पर उन्हें रखकर पीपल की जड़ में रख दें। कन्या वर्गो। कन्या राशि वालों को परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। नौकरी में नवीन दायित्व के मिलने के सहयोग बनेंगे। किसी महत्वपूर्ण कार्य के संपन्न होने से आपके मान में वृद्धि होगी। बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त होगा। किसी पुराने विवाद से छुटकारा मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग की अध्ययन में अधिक रुचि रहेगी। व्यापार में संलग्न लोगों को महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी। राजनीति में आपके नेतृत्व की सराहना होगी। नए व्यापार अथवा उद्योग धंधे को शुरू करने की योजना सफल होगी। कैसा होगा आर्थिक हाल? आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। रुका हुआ धन प्राप्त होगा।
भूमि के क्रय विक्रय से धन लाभ होगा। माता से आर्थिक मदद मिल सकती है। शेयर, लॉटरी, पशुओं के क्रय विक्रय से धन लाभ होने के योग है। परिवार में कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है। पुराना वाहन बेचकर आप नवीन भारत खरीद सकते हैं। संतान की उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु जमा पूंजी निकालकर खर्च करनी पड़ सकती है। कैसा होगा निजी जीवन? परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है। प्रेम प्रसंग में मधुरता आएगी। अविवाहित लोगों का विवाह से संबंधित शुभ समाचार मिलेगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा। माता पिता से सहयोग एवं सानिध्य मिलेगा। समाज में आपके द्वारा किए जा रहे शुभ कार्यों का अनुसरण करेंगे। कैसा होगा स्वास्थ्य? आपका स्वास्थ्य कुछ नरम रहेगा। रक्त विकार, पेट संबंधी रोग आदि के प्रति जागरूक रहें। घुटने संबंधी रोग कुछ कष्ट देगा। आप अपना इलाज कराने हेतु घर से दूर जा सकते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य की अपेक्षा मानसिक स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दें। अनावश्यक तनाव से बचें। अपनाएं ये उपाय। शाम को उड़द के साबुत दाने लेकर उन पर थोड़ा दही व सिंदूर चिरक कर पीपल के पत्ते पर उन्हें रख कर पीपल की जड़ में रख दें। तुला लिब्रा। तुला राशि वालों को राजनीति में आपको महत्वपूर्ण पद मिलने की योग है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत लोगों को कोई दूर देश से शुभ समाचार प्राप्त होगा। शासन सत्ता का लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों को अध्ययन संबंधी कुछ चिंता बनी रहेगी। व्यापार में कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। शेयर, लॉटरी, दलाली आदि के कार्य में लगे लोगों को विशेष सफलता मिलेगी। कैसा होगा आर्थिक हाल? व्यापार के क्षेत्र में अधिक भागदौड़ रहेगी, जिससे प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होगा। नौकरी में अधीनस्थ लाभकारी सिद्ध होंगे। भूमि, भवन आदि खरीदने की योजना पर जमा पूंजी खर्च होने के योग है। कैसा होगा निजी जीवन? प्रेम संबंध में निकटता आएगी। अपने स्वास्थ्य के साथ किसी मनोरम स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के मध्य प्रेम एवं आकर्षण में वृद्धि होगी। ससुराल पक्ष से किसी मांगलिक कार्यक्रम का आमंत्रण मिल सकता है। कैसा होगा स्वास्थ्य? आपका स्वास्थ्य कुछ नरम रहेगा। पूर्व से चले आ रहे किसी गंभीर रोग से छुटकारा मिलेगा। रक्त विकार के प्रति अधिक सजग एवं सावधान रहें, अन्यथा आपको तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। शराब का सेवन कर वाहन तीव्र गति से ना चलाएं, अन्यथा दुर्घटना हो सकती है। अपनाएं ये उपाय। आपके प्रियजनों से एक एक नारियल लें और बहते पानी में बहाएं। वृश्चिक स्कॉर्पियो, कोई अप्रिय समाचार मिल सकता है। किसी महत्वपूर्ण कार्य में विघ्न होने से मन खिन्न रहेगा। कार्य क्षेत्र में कोई ऐसी घटना घट सकती है जिससे आपको अपमानित होना पड़ सकता है। परिवार में व्यर्थ वाद हो सकता है। कैसा होगा आर्थिक हाल? बच्चों के खिलौने के कार्य में से जुड़े लोगों को विशेष लाभ होगा। ट्रैवल एजेंसी, टैक्सी ड्राइविंग, परिवहन विभाग से जुड़े लोगों को सफलता से धन लाभ होगा। सेक्स वर्कर के कार्य में संलग्न लोगों को आज विशेष लाभ वाला होने वाला है। कैसा होगा निजी जीवन? आपको ऐसा महसूस होगा कि वर्तमान समय में अब भावनाओं का कोई महत्व नहीं है। परिवार समाज में हर तरफ पूंजीवाद का बोलबाला है। किसी के सामने अपने मानो भावों को प्रकट करने से बचे, अन्यथा लोग आपकी भावुकता का मजाक बनाएंगे। कैसा होगा स्वास्थ्य? प्रेम संबंधों में एक दूसरे के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। आपकी जरा सी लापरवाही आपको भारी रोग से ग्रसित करवा सकती है। आप ऐसे गंभीर रोग की चपेट में आ सकते हैं जिसका कोई इलाज संभव नहीं है। अपने भोग विलास की गंदी आदत को छोड़ना होगा। अपनाएं ये उपाय। तिल, गुड़ और रेवाड़ी जल में प्रवाहित करें। मसूर की दाल ना बनाएं और ना खाएं। धनु सजिटेरियस। धनु राशि वालों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत लोगों को विदेश भ्रमण का अवसर प्राप्त होगा। राजनीति में पद एवं प्रतिष्ठा बढ़ेगी। गीत संगीत, नृत्य, कला अभिनय के क्षेत्र में ख्याति मिलेगी। नौकरी में उच्चाधिकारी का वरदहस्त बना रहेगा। व्यापार में आय बढ़ाने के प्रयास सफल होंगे। घर व व्यावसायिक स्थल की साज सज्जा पर अधिक ध्यान रहेगा। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति? व्यापार में जमा पूंजी धन में वृद्धि होगी। किसी व्यापारिक यात्रा के सफल होने से धन लाभ होगा।
पैतृक धन संपत्ति मिलने में आ रही बाधा किसी वरिष्ठ परिजन के हस्तक्षेप से दूर होगी। कैसा रहेगा निजी जीवन? परिवार में अकारण वाद विवाद होने से मन खिन्न हो सकता है। परिवार में कोई परिजन नाराज होकर घर छोड़कर जा सकता है। संयम से काम ले, संबंधों को सुधारने की कोशिश करें। प्रेम संबंधों में अधिक महत्वाकांक्षा बढ़ सकती है। कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य? आपका स्वास्थ्य तेजी से सुधरेगा। गंभीर रूप से ग्रसित लोगों को उपचार कराने पर लाभ प्राप्त होगा। पेट दर्द, उल्टी, दस्त, बुखार आदि होने पर स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही बिल्कुल भी न करें। अपनाएं ये उपाय। किसी को सिले हुए सुंदर वस्त्र, सेंट, परफ्यूम, आभूषण उपहार देने से बचें। मकर कैप्रिकॉर्न। मकर राशि वालों को ससुराल पक्ष से कोई शुभ समाचार मिलेगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत लोगों को विदेश जाने का बुलावा आ सकता है। मनोरंजन संबंधी सामग्री का निर्माण कार्य करने वाले लोगों को उन्नति के साथ सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में नए मित्र बनेंगे। आर्थिक क्षेत्र में लोगों को महत्वपूर्ण पद एवं जिम्मेदारी मिलेगी। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति? आप मिट्टी पकड़ोगे तो वह सोना बन जाएगी, अर्थात जहां प्रयास करेंगे वहां से आय होगी। मजदूरों द्वारा कार्य कर चलने वाले लोगों को विशेष सफलता एवं धन लाभ होगा। कैसा रहेगा निजी जीवन? परिवार में आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं करेगा, जिससे आपको बहुत दुख होगा। आपको अपनी भावनाओं को दूसरों पर थोपने की आदत से बचना होगा, अन्यथा आपके परिवार में आपकी वेतन बढ़ जाएगी। कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य? कोई ऐसी घटना घट सकती है जिससे आपके अपने जीवन में स्वास्थ्य के महत्व का पता चलेगा। किसी गंभीर रोग से पीड़ित लोगों को इधर उधर से दिमाग हटाकर अपने स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अपनाएं ये उपाय। बिस्तर की चादर साफ सुथरी और सिलवटे रहित रखें। कुंभ अक्वेरियस। कुंभ राशि वालों को शासन सत्ता से जुड़े लोगों को विशेष शुभ योग बनेगा। सरकार के समस्त विभागों में कार्यरत लोगों को धन लाभ एवं सम्मान प्राप्त होगा। सरकार की नीतियों का निर्धारण एवं क्रियान्वयन में आपकी अहम भूमिका रहेगी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत लोगों की कार्यशैली की पूरी कंपनी में सराहना होगी। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति? आपको लाभ होगा, बस आप अपने कार्य को पूरे मनोयोग से करें। गहने आदि कीमती सामान खरीदकर घर लाएंगे। नौकरी में उच्चाधिकारी से कीमती उपहार व धन प्राप्त होगा। विद्यार्थियों को अपने माता पिता से मनचाहा उपहार प्राप्त होगा। घर में सुख सुविधा पर अधिक धन खर्च करेंगे। कैसा रहेगा निजी जीवन? किसी विपरीत लिंग साथी से आपको प्रेम प्रस्ताव प्राप्त होगा, जिससे आप बेहद खुश होंगे। मित्रता में आपका कोई जवाब नहीं है, ऐसा आपके मित्र कहेंगे। समाज में आपके द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्यों की प्रशंसा होगी। कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य? स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या आपको नहीं सताएगी। हर प्रकार से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मन में उमंग और उत्साह से भरा रहेगा। यदि आप किसी गंभीर रोग से ग्रसित हैं तो भी एकदम आराम महसूस करेंगे। अपनाएं ये उपाय। वृद्ध व्यक्तियों की सहायता करें। मीन पाइसिस। मीन राशि वालों को समझना होगा कि कार्य क्षेत्र में आपका कर्म ही पूजा है। इस सिद्धांत पर काम करने वाले फायदे में रहेंगे। कार्य के समय अत्यधिक चर्चा करने से बचें। अपने जीवन से जुड़ी बातों को सार्वजनिक रूप से लोगों को न बताएं। बहुत भटकने के बाद ही रोजगार मिलेगा। घर से दूर आजीविका के लिए जाना पड़ सकता है। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति? आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। धन एवं संपत्ति में वृद्धि होगी। कोई पुराना भूमि विवाद सुलझ जाएगा। पशुपालन के कार्य में संलग्न लोगों को अच्छी आमदनी होगी। शिक्षण संस्थानों से जुड़े लोगों को सरकार की किसी योजना के कारण बड़ा लाभ होगा। कैसा रहेगा निजी जीवन? परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन होगा। आपको इससे आपको बेहद खुशी होगी। आपको खुशी के मारे इतने भावुक हो जाएंगे कि आंखों से खुशी के आंसू टपक पड़ेंगे। व्यापार में कोई नई स्कीम अप्लाई योजना लागू कर सकते हैं। कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य? स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी एवं सजगता बरतें। आमतौर पर आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। गंभीर रोग से पीड़ित लोगों को अपनी इलाज हेतु पर्याप्त धन प्राप्त होगा।
किसी नवीन रोग के लक्षण दिखने पर आप बिल्कुल भी लापरवाही न करें। अपनाएं ये उपाय। चारपाई के पायों पर तांबे की कील गाड़े। रात को दूध न पिएं। ज्योतिष के सभी अलर्ट्स और ट्रेंडिंग खबरों के लिए आपकी राशिफल चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने किसी भी विज्ञापन के लिए हमारे चैनल से संपर्क करें। आपका दिन शुभ हो। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।